आपको बता दें कि आज पटना के जदयू कार्यालय में लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री जयंत राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां मीडिया से बात करते हुए जयंत राज ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो उन्हें इस बार झोला भर कर आना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर जाना चाहिए, सम्राट चौधरी के द्वारा यह कहे जाने पर कि नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पहले अपने पार्टी को देखें और अगर यही बात है आराम करने की तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाह दे, क्योंकि उनकी भी उम्र ज़्यादा हो गई है, वह जाकर आराम करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भाजपा के केंद्रीय मंत्री के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, ना ही बिहार से कोई मतलब है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज, देखिए इस वीडियो में। करने वाले हैं, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से महागठबंधन डरेगी? देखिए, महागठबंधन किसी भी बिहार राज्य में कोई आता है, कोई नेता आ रहे हैं और भारत के खास करके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 9 साल में वो खाली झोला लेके आ रहे हैं, यहाँ झोले में कुछ लेके बिहार के लिए नहीं आए हैं। इस बार कम से कम आखिरी साल है उनके प्रधानमंत्रित्व काल का, तो इस बार कम से कम वो आए तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, ये बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता का आकांक्षा है कि जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कम से कम आखिरी साल में प्रधानमंत्री कम से कम ये काम करके जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, और 9 साल में तो प्रधानमंत्री ने ऐसा NDA की सरकार ने कुछ किया नहीं। जहाँ तक बिहार के में जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी जो घोषणा किया था उस घोषणा पर भी कभी अमल करने का काम नहीं किया। बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि प्रत्येक MP को जो है 75 किलोमीटर सड़क अलग से देंगे, तो उस पर आज तक वो कभी बात नहीं करते हैं। और जो भी भाजपा के नेता आते हैं उनका एक ही काम है हिंदू मुस्लिम करना, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाना या हिंदू मुस्लिम करना, जातिवाद की बात करना। बिहार के विकास से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार के विकास से 1% भी लेना देना अगर रहता तो जो 13-14 करोड़ की जनता है सबका सब लोगों का मांग था, जब हम लोग भी NDA में थे, वो लोग भी NDA में थे, सभी लोगों ने दस्तखत किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पे इस बार प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। सम्राट चौधरी को तो वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो नेता है भाजपा के वहीं पे कई एक नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार कई एक लोग बन रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को पहले अपने पार्टी में सोचना चाहिए कि कौन कौन, अगर इनको वो आराम करने की सलाह दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी उनको सलाह देना चाहिए कि काफ़ी उम्र हो गई है, प्रधानमंत्री को भी आराम करना चाहिए। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, सांसद हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री का, इससे पहले सम्राट चौधरी के लिए भी नारे लगे, क्या लग रहा है BJP में इतने सारे CM के चेहरे हैं? 2025 से पहले कई एक नारे और भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर खुद लोगों में समन्वय नहीं है कि किसको क्या कर रहा है, उफापो की स्थिति है भाजपा के अंदर, और जब से महागठबंधन एक हुआ है उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कब क्या करना है, कभी इनको मुख्यमंत्री बनना है, कभी किसी को कुछ करना है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, लेकिन बिहार की जनता से किसी को लेना देना नहीं है, चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी जी हों या सम्राट चौधरी हों, किसी को बिहार की जनता से लेना देना नहीं है, जिनको भी कुछ ना कुछ स्वयं बनना है इसके लिए लोग प्रयासरत हैं, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार है जो आम लोगों की सरकार है। अभी बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, शिक्षकों की वैकेंसी निकली है और भी कई एक तरह की वैकेंसी निकल रही है, ये सब देख के वो लोग बौखला गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं।